हे गाइस, मैं अमित कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल हबाब स्टडी पॉइंट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरा लेक्चर है एसएससी एमटीएस और सीजीएल के लिए, और यह जो पार्ट है मैथ्स का या एलजेब्रा पार्ट में है, ठीक है। तो ये एलजेब्रा पार्ट वन है, और इसके बाद मैं लेखपाल पर भी जो है वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा। कल से डेली आपका कंटिन्यू एक रूरल डेवलपमेंट पर होगा, और मैथ्स और हिंदी पे भी डेली का डेली जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए अब बेल आइकन पर घंटी ज़रूर बजा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आपको जो वीडियो विजिबिलिटी हो रही है, तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपसे जो है पूछा गया है। आपके ऑप्शन है इस तरह से 10/3, ऑप्शन बी 82/9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 11। और यह पूछा गया UP SSSC प्री 2016 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत आप लोग बेशक से जानते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, यानी आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पे क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको बेशक मालूम है, सभी को ये फार्मूला मालूम ही है। हमको देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का, दोनों जो पक्षों का है होल स्क्वायर कर देंगे, यानी x प्लस वन बाई एक्स का होल वर्ग, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, इक्वल टू 3 वर्ग, ठीक है। क्या करने पर, तो यह वर्ग करने पर यह प्राप्त हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x² प्लस 2ab यानी 2x(1/x)=3 का स्क्वायर। नौ, x से x कैंसिल हो गया, आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2=9। 2 आपका उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 9-2 यानी 7। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, 7। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, यदि x प्लस 1/x = 1, देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 1, वट इज़ द, इसकी वैल्यू जो है आपसे गिवन कर रहा है, पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, एक्स प्लस 1/x। अगर यहाँ पे इसमें अगर आप सोचो, अगर एक्स से हम अगर डिवाइड कर दें, यानी हर अंश और हर में भी, तो अंश और हर में एक्स से भाग दे दें, तो आओ देखो क्या बनता है भाग देने पर। तो अलग अलग भाग देंगे, तो आप जानते हैं अंश में हम एक्स से सभी जितने पद हैं, जितने भी टर्म्स हैं, सभी में एक्स से डिवाइड करेंगे, और हर में भी यही हम क्रिया अपनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3x/x प्लस 1/x, यानी जितने टर्म्स थे, अंश वाला जो हमारा पद था, एक्स स्क्वायर था, 3x था, 1 था, इन सभी में हमने x से क्या कर दिया, भाग दे दिया। सेम हम यही काम करेंगे हर में भी, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 7/x प्लस 1/x। ऐसा करने पे क्या होगा, अगर हम अंश में भी एक्स से भाग देंगे, हर में भी एक्स से भाग देंगे, तो उसमें कोई जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, एक्स एक्स कैंसिल, तो देखो क्या बन गया, ये बना आपका एक्स, एक एक्स कटा, एक एक बचा, तो एक एक्स बचा है, यहाँ हो गया आपका 3 + 1/x। नीचे भी इसी तरह से, यहाँ x रिमेनिंग एंड 7 + 1/x। अब आप देख रहे हो यहाँ x और प्लस 1/, तो इसको एक साथ लिख लो, x प्लस 1/x, और प्लस क्या है, 3 है। यहाँ भी सेम वैसे ही x प्लस
वन बाई एक्स प्लस सेवन। अब इसकी वैल्यू आप अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू गिवन है, एक्स प्लस वन और वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, वन। तो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे इसके प्लेस पर वन, तो वन प्लस थ्री और वन प्लस सेवन इज इक्वल टू हो गया फोर बाई एट, यानी फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, यानी हमारा आंसर हो जाएगा वन बाई टू, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इफ़ x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव, कह रहा है कि x माइनस एक बटे एक्स का मान पाँच है, तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ याद रखो, चाहे a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, इन दोनों का वर्ग करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता ही आता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका वर्ग करना है, यानी x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर फाइव का स्क्वायर। दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, यानी इसका वर्ग कर दिया और इसका वर्ग कर दिया। अब इसका वर्ग a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन बाई एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू ए ए यानी एक्स और बी यानी वन बाई एक्स। ठीक है, तो ये ए है, ये आपका बी है। ठीक है, तो इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव। अब ये टू उधर ट्रांसफ़र होगा, पंचांतर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस टू, यानी कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन। तो ट्वेंटी सेवन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। दिया है यदि x बराबर थ्री प्लस अंडर रूट एट और एक बटे x का मान दिया है थ्री माइनस अंडर रूट एट आठ, तो x पे पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पे पावर फोर। तो आप एक चीज़ जानते हो कि अगर हम a प्लस बी हो, क्या हो, a प्लस बी हो, अगर एक बार इसका वर्ग कर दें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मिलेगा। अगर हम ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पा जाएँ और फिर इसका दोबारा वर्ग कर दें तो क्या मिलेगा, ए पे पावर फोर प्लस बी पे पावर, यानी ए का वर्ग करेंगे, वर्ग का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब पावर कितना हो जाएगा, फोर। यानी हमको दो बार वर्ग करना है, किस तरह से, जब ए प्लस बी आप पा जाओ। तो हम क्या करें, ए प्लस बी, क्योंकि इनको दोनों को जोड़ना है, प्लस है, तो इन दोनों को आप क्या करो, जोड़ दो। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या है, थ्री प्लस अंडर रूट एट और वन बाई एक्स प्लस है, प्लस आप लगाओगे, वन बाई एक्स की वैल्यू है थ्री माइनस अंडर रूट एट, प्लस रहेगा तो कोई भी जो है साइन यानी जो चिन्ह है वो बदलाव नहीं होगा। तो एक देखो प्लस अंडर रूट आठ, एक माइनस अंडर रूट आठ, दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, तीन और तीन कितना हो गया छः। तो आपको मिल गया x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, छः। अब हम इसका क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि दो बार आपको वर्ग करना है, तो एक बार जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, आप जानते हो कि टू ए बी करते हैं तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाते हैं, तो टू मैंने लिख दिया और छः का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो छः का स्क्वायर छत्तीस। ठीक है, दो उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू छत्तीस माइनस दो यानी चौंतीस। ठीक है, कितना मिल गया, चौंतीस। अब इसका हम फिर क्या करेंगे, एक बार फिर वर्ग करेंगे, तो एक बार फिर वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर तो अब ये हो गया आपका x पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ भी सेम वही हो जाएगा। और इसमें भी वैसे जैसे 2ab करते हैं तो यहाँ भी ये और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। ठीक है, और 34 का स्क्वायर आप अगर करेंगे तो 34 का स्क्वायर आपका टोटल हो जाएगा 1156, कितना हो जाएगा 1156। तो x पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 इज इक्वल टू 2 उधर माइनस हो जाएगा, तो 1154 यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव,
यदि a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू वन देन वन माइनस ए प्लस ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में है वन प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है चार, जीरो, माइनस एक और चार। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो ये है आपका a जो गिवन है, a प्लस वन बाई ए इक्वल टू कितना दिया है, एक दिया है। तो आप क्या करो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस वन बटे क्या हो जाएगा a, इसका इधर गुणा कर देंगे ये हो जाएगा बराबर एक, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया a, ठीक है, एक ये हो गया। और एक आप इसमें यह भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए वन प्लस ए स्क्वायर है ना, तो वन प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर वन प्लस ए है, ठीक है, तो और ए स्क्वायर माइनस ए है, तो आप इसको क्या करो उधर कर लो। अगर हम इसको पंचांतर कर लें तो ये उधर जाएगा, तो वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर। ये हम दो चीज़ पा गए, ये क्यों लिखे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। वैल्यू आपसे किसकी पूछा है, तो वैल्यू आपसे पूछा है वन माइनस ए प्लस ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में है वन प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। अब एक चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू मालूम है, ए स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस वन कहो चाहे वन प्लस ए स्क्वायर, अगर सम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखो वन प्लस ए स्क्वायर, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, हमने पहले इसको लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे है आपका वन प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो वन प्लस ए स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर, तो इसके प्लेस पर, इस दोनों के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं ए, तो ए माइनस ए। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई जीरो, और जीरो का हम किसी, क्योंकि यहाँ पे क्या है गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है गुणा का चिन्ह है, हम जीरो से किसी में भी गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू टेन है, आपसे पूछ रहा है एक्स पे पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पे पावर फोर। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर अगर कर दें तो पावर फोर आ जाता है, इसका मतलब हम इसका क्या करेंगे, इसका कर लेंगे वर्ग। तो वर्ग कर लीजिए, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका कर लिया वर्ग इज इक्वल टू दस का स्क्वायर, ठीक, दस का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, तो एक्स पे पावर फोर प्लस एक्स पे पावर फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस टू ए बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपॉन में है तो कट ही जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, इक्वल टू दस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, सौ। तो ये हो गया आपका एक्स पे पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पे पावर फोर, टू उधर ट्रांसफ़र होगा पर पंचांतर हो जाएगा, तो सौ माइनस दो प्लस है उधर गया तो कितना आ गया बच्चों 98, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 66 हो तो इसका मान पूछ रहा है बच्चों। तो एक मिनट थोड़ा सा, जिसका मान पूछ रहा है पहले उसको हम लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो बच्चों इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि बटे में एक्स है तो सभी के बटे में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस एक बटे एक्स प्लस दो एक्स बटे एक्स, तो यहाँ एक्स से एक्स कट गया, यहाँ एक्स कितनी है दो बार, तो एक बार कट गया तो एक एक्स बचेगा, तो यहाँ बचा एक्स माइनस वन बाई एक्स और प्लस टू, ठीक है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस वैल्यू जिसकी यह वैल्यू है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसकी वैल्यू हमको पूछा है। तो अब आते हैं जो वैल्यू दिया है पहले उसको हम देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, 66 दिया है, ठीक है। अब अगर हम इसमें दो जोड़ लें, क्या करें बच्चों, दो अगर हम इसमें जोड़ लें तो देखो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 66 और प्लस टू, ठीक है। अगर माइनस कर लेते हैं बच्चों, देखो ध्यान में रखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर लो, ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, तो देखो एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं इधर। तो अगर जैसे
एक्स प्लस वन बाई एक्स का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो क्या पाते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू पाते हो। अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर आप करते हो तब क्या पाते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक्स माइनस वन बाई एक्स, क्या चाहिए, एक्स माइनस वन बाई एक्स। प्लस तो नहीं चाहिए, प्लस वाला तो चाहिए नहीं, तो हमको क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए। तो माइनस वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी हम दोनों में दो क्या कर दिए, घटा दिए, दोनों पक्षों में हमने दो माइनस कर दिया। तो ये बन गया आपका एक्स माइनस एक बटे एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम देखो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये सेम वही है, इक्वल टू क्या हो गया 64। तो ये एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू स्क्वायर है, तो उधर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट लग जाएगा 64, यानी यह हो जाएगा आपका प्लस माइनस एट। क्या बन गया, प्लस माइनस एट, यानी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एट, तो सॉरी गाइज, इसकी वैल्यू नहीं निकालना था, निकालना था इसकी वैल्यू, ध्यान में रखें यह वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस एट। तो यहाँ पर एक बार आप प्लस एट रखेंगे और एक बार माइनस एट, जब आप प्लस आठ रखेंगे तो आठ और दो कितना हो जाएगा, तो आठ और दो दस हो जाएगा, और जब आप माइनस आठ रखेंगे तो माइनस आठ रखेंगे तो माइनस आठ और प्लस दो कितना हो जाएगा, माइनस छः हो जाएगा। यानी इस तरह से बन गया दस और माइनस छः, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर और नॉट बी, तो बी वाला ऑप्शन नहीं है बच्चों। तो क्वेश्चन इस का आंसर हो गया आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दो दिया है, पूछ रहा है आपसे एक्स पे पावर सेवन प्लस वन बाई एक्स पे पावर फाइव की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान देते हैं, यहाँ पे सेवन है, यहाँ पे पावर फाइव है। तो देखें एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या दिया है, दो दिया है, ये गिवन है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू। ध्यान में रखें जब भी दो रहे, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दो दिया है या फिर माइनस दो दिया है, तो आप याद रखें या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे, अब इसका इधर गुणा कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया, टू एक्स हो गया। इसको आप ऐसे भी रिटेन कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, ये इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब आप ये देख रहे हैं कि वन का भी स्क्वायर किया जा सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अगर इंटू वन कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी करेंगे तो टू एक्स आ जाएगा इक्वल टू जीरो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, स्क्वायर है तो अंडर रूट जीरो मतलब जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन, एक्स का मान क्या आ गया, एक आ गया। अब जो पूछ रहा है उसका मान निकाल लो, पूछ रहा है कि एक्स पे पावर सेवन प्लस वन बाई एक्स पे पावर फाइव की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके जगह क्या रखना है आपको, एक रखना है, तो एक पे पावर सेवन प्लस एक बटे एक पे पावर फाइव, एक इसकी भी वैल्यू वन प्लस एक बटे एक मतलब वन, तो एक और एक कितना हो गया, दो, तो दो इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ चलते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन ये है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यह क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया है 17/4, और एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू दिया है, इसको का आप कुछ इसके वर्ग की तरह लिख सकते हैं। देखो, चार प्लस एक बटे चार, चार चौक सोलह और एक 17/4, है ना, और यह भी वर्ग है, यह भी वर्ग है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू दो का स्क्वायर प्लस एक बटे दो का स्क्वायर। ठीक, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम तुलना कर लें,
अगर हम तुलना कर लें तो यह देखिए x इक्वल टू x के प्लेस पे क्या है, दो है, तो x का मान क्या हो गया, दो हो गया। और वन अपॉन x के प्लेस पे क्या है, एक बटे दो है, तो वन बाई एक्स के प्लेस पर एक बटे दो। ठीक है, बस अब आपको इसमें पुट कर देना जिसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दो का क्यूब माइनस एक बटे दो का क्यूब। तो दो का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, आठ, और एक बटे आठ, आठ टाइम चौंसठ, चौंसठ माइनस एक बटे आठ, यानी आ गया आपका तिरसठ बटे आठ। तो हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज तक के लिए बस इतना ही। तो ये था मेरा वीडियो जो है अलजेब्रा पर, या SSC SSC CGL MTS सभी परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी है। और कल से मेरा जो है लेखपाल पर जो है बेस्ड क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण एवं क्षेत्र परिवेश के, और 25 क्वेश्चन जो हिंदी के डेली जो है मैं अपलोड करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी आप जो है शेयर ज़रूर कर दें। और आशा है कि आप इस कोविड 19 में आप स्वस्थ होंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।